नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पांडे और माय उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीठ पर फुंसी आमतौर पर शरीर में किसी बदलाव का संकेत करते हैं, लेकिन अगर ये फुंसी बड़ा आकार फफोलों के रूप में ले ले तो काफ़ी दर्दनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो चलिए आज हम पीठ पर फुंसी या दाग धब्बे होने का कारण और इलाज के बारे में बात करेंगे। पीठ पर फुंसी या दाग धब्बे होने का सबसे पहला और प्रमुख कारण है शरीर में हॉर्मोन्स का बदलाव होना। महिलाओं में आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान या प्रेगनेंसी या PCOD में काफ़ी ज़्यादा हॉर्मोन्स में बदलाव होता है और यही कई बार पीठ पर फुंसी के होने का कारण होता है। पीठ पर फुंसी होने का कारण कई बार जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अगर आपके पापा या घर में दादा दादी को ऐसे लक्षण या दिक्कत रही है तो आपकी स्किन या आपके जेनेटिक मेकअप में भी ये दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पीठ पर फुंसी का एक और प्रमुख कारण पसीने के आने का होना होता है। कई लोगों को आमतौर पर सामान्य से अधिक पसीना आता है। पसीना आपके स्किन के चमड़ी में जो पोर्स हैं उन्हें बंद या ब्लॉक कर देते हैं और यही फुंसी के पैदा होने का कारण होते हैं। पीठ पर फुंसी कई बार कुछ दवाओं से भी हो जाती है, जिसमें साइकेट्रिक दवाएं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक दवाएं होती हैं। अगर आप इनका लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको पीठ पर फुंसी या दाने हो जाते हैं। कई बार पीठ पर फुंसी या दाग धब्बे होने का कारण तला भुना या मिर्च मसाला खाना होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है पीठ पर फुंसी के पैदा होने का कारण होते हैं। पीठ पर फुंसी के होने का कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता है। कई बार अगर आपको पीठ पर डैंड्रफ की समस्या हो गई है तो ये भी पीठ पर फुंसी के होने का कारण होता है। अगर आपको बहुत टाइट कपड़े पहनने का शौक है तो ये भी पीठ पर फुंसी या दाग धब्बे होने का कारण हो सकता है। अभी हमने बात की पीठ पर फुंसी के होने के कारण के बारे में, अब हम आपसे बात करेंगे कि पीठ पर होने वाली फुंसी का इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपको पीठ पर फुंसी किसी इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे कि बैक्टीरियल या फंगल, तो टॉपिकल क्रीम्स का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉपिकल क्रीम्स में बेंजोइल पेरोक्साइड, एजिलिक एसिड, ट्रेटिनोइन या फिर आइसोट्रेटिनोइन क्रीम्स या टैबलेट का रोल महत्वपूर्ण है। ये दवाओं का प्रयोग आप अपने डॉक्टर से मिलकर या डिस्कस करके ही करें। अगर महिलाओं में PCOD की वजह से पीठ पर फुंसी या दाग धब्बे आते हैं तो PCOD की दवाएँ करने से पीठ पर होने वाली फुंसी अपने आप ठीक हो जाती है। यदि आप अधिक मात्रा में तला भुना मिर्च मसाला खाना खा रहे हैं या फिर अधिक मात्रा में धूम्रपान या मदिरा पान कर रहे हैं तो इन चीज़ों को कट डाउन या कम कर देने से ही पीठ पर होने वाली फुंसी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यदि आपको अधिक मात्रा में पसीना आता है तो बार बार पसीने का पोंछना और साथ ही साथ दिन में कम से कम सुबह और शाम नहाने से आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और इस पे पसीना नहीं जमता है। कई बार आपकी स्किन रूखी हो जाने की वजह से भी स्किन पर काले धब्बे या फुंसी हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइजेशन क्रीम का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नहाने के बाद इस क्रीम का उपयोग अवश्य करें। अगर आप टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं तो इसकी जगह आप लूज कॉटन वाले क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर दें। इससे आपकी पीठ की फुंसी कम हो जाएगी और धीरे धीरे पड़े हुए काले धब्बे भी खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। अगर आपको पीठ पर फुंसी की समस्या या त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल मारें। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और यदि आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।
अगर आपको इस संबंधित कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें।